मोहतरम जनाब हनी साहब यूके, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट अहले सुन्नत .net पर हमें याद फरमाया और अपना सवाल भेजा। आपने ये पूछा कि क्या बालिग लड़की और बालिग लड़का वली की मौजूदगी के बगैर निकाह कर सकते हैं या नहीं। इत्तलान अर्ज है कि लड़का या लड़की अगर वाकई शरण बालिग हों तो वो अपनी मर्जी से निकाह कर सकते हैं, निकाह मुनक्किद हो जाएगा। ये बात अलग, निकाह के इनका में कोई शक नहीं कि निकाह मुनक्किद हो जाएगा। मोहतरम मनीर साहब, लेकिन आप जानते हैं कि हम मुसलमान, हम अपने अंदर एक अपना इस्लामी माशरा रखते हैं। उमूमन लड़की वाले कोशिश करते हैं कि लड़का जिसे अपना दामाद बनाया जाए या जिसे अपनी लड़की दी जाए उसके अखलाक अच्छे हों, पढ़ा लिखा हो, हर एंगल से उसको देखा जाता है। जाहिर है कि बड़े लोग जब बीच में होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई नशे व फराज अगर हो जाए तो ये बड़े लोग उसके जिम्मेदार भी होते हैं। हरचंद के लड़का लड़की जो बालिग हों उनका आपस में निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह होने के बाद की जो पेचीदगियां हैं, जो एक माहौल और माशरा हल करता है, उससे आप महरूम हो जाएंगे। लेकिन एक बात जहन में ये भी रहे कि लड़की अगर बालिग है और वो सैयद है, सैयद लड़की को चाहिए कि वो ऐसे लड़के से निकाह करे जिसको उसके खानदान वाले आर और अपनी हतक और तजलील महसूस न करते। लड़की ने अगर अपनी मर्जी से निकाह किया और लड़की सैयद हो और उसके वालदैन ये देखें कि लड़का कोई ऐसे खानदान का है कि जो उनके खानदान में एडजस्ट नहीं हो सकता, यानी ये कि वो कोई ऐसी निचली जात का है कि जिसको वो अपना दामाद बनाना पसंद न करें, तो ऐसी सूरत में जब तक के वली राजी नहीं होंगे सैयद लड़की का निकाह नहीं होगा। और आलमन आपकी मुराद यही है कि लड़का और लड़की दोनों गैर सैयद हैं, वो अगर बालिग हैं तो निकाह हो जाएगा, मगर उसके बाद जो हमारे माशरे में बसा औकात अपनी पसंद का निकाह और अपनी पसंद की शादी करने जो हंगामा बर्पा होता है उससे सरफ नजर न की जाए। नाम ही नहीं लिखाएंगे तो बंद कर लो। क्या बात, काबू नहीं आ रहा आपके।